को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हम लोग दें, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, शिक्षक उपलब्ध हो, इस पे खास तौर पे हम लोगों का ध्यान रहा है। इतनी बड़ी बहाली हो रही है पैमाने पे, अब तो दूसरा चरण का रिजल्ट भी जो है वो भी आ ही गया है। 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है हम लोग मौका दे रहे हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है, और एक मिनिमम टेस्ट के बाद जो करेंगे उन सब लोगों को। भाई बताइए, अभी 14 महीने के अंदर ही हम लोग की सरकार, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। नमस्कार, मैं प्रकाश से आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कल नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला सरकार ने किया, और कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। तेजस्वी यादव ने वादा किया था 2020 के चुनाव के दौरान बिहार के शिक्षकों से कि जब वो सरकार में आएंगे तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। अब मामूली सी परीक्षा पास करके बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, वो बिहार सरकार में राज्यकर्मी बन जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, जितना वादे किए सब पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया, क्या करे तेजस्वी यादव, जरा वो सुनिए। को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हम लोग दें, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, शिक्षक उपलब्ध हो, इस पे खास तौर पे हम लोगों का ध्यान रहा है। और इतनी बड़ी बहाली हो रही है पैमाने पे, अब तो दूसरा चरण का रिजल्ट भी जो है वो भी आ ही गया है, और आज जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया, लगभग 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं को जो है हम लोग मौका दे रहे हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है, और एक मिनिमम टेस्ट के बाद जो करेंगे उन सब लोगों को मिलेगा। बहुत दिनों से इन लोगों की मांग थी, कितना हुआ? हाँ, एकदम मांग भी थी, बहुत लोग जो है सड़कों पर आंदोलन भी कर देते हैं, हम लोग भी पहले आवाज़ उठाते थे। तो भाई बताइए, अभी 14 महीने के अंदर ही हम लोग की सरकार, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। तो जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया, चाहे नौकरी का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का हो, सारी कमिटमेंट्स को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं, चाहे कास्ट सेंसस का हो, तो उस हिसाब से सब काम हो रहा है। इधर आप ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, इधर जो है कहा जा रहा है कि सरकार गिर रही है, तो ऑल इज वेल नहीं है आप लोग के महागठबंधन में, कई तरह के बयान आ रहे हैं कि अब देश में नहीं रहेंगे। कोई फर्क पड़ता है? लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना, कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं, उन लोगों को अनपच रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही हैं, लोगों का कल्याण भी कर रही हैं, नौकरियाँ भी दे रही हैं, अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, सारा काम हो रहा है। सर, जो कल तक एनडीए के नेता नीतीश जी को क्रिटिसाइज करते थे, आपका क्रिटिसाइज करते, आज वो नीतीश जी को कौन क्या बोलता है? कोई अथॉरिटी है? कोई जो भी लोग बयान देते हैं वो लोग अथॉरिटी हैं क्या? तो ये सब बेकार की बात है। तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। बिहार सरकार ने न्यू ईयर गिफ्ट, आप ये कह लीजिए कि बिहार के सरकारी स्कूल के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो हम लोग एक एक कर पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान वादा किया था बिहार के शिक्षकों से, और साथ भी मिला था बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का, तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव ये बातें कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अथॉरिटी है काई लोग। तेजस्वी यादव अपने आप में बड़ी बात करें। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।